हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का यूज एंड्रॉइड में डेटा को फेच करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे एसक्यूएल पे बने हुए सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उसकी हेल्पर क्लास बनाएंगे और कैसे डेटा को सेव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर जो लास्ट प्रोजेक्ट था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी प्रोजेक्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक हेल्पर क्लास बनाई हुई थी एसक्यूएल लाइट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा वही पुराना प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने जो फर्स्ट वीडियो सीरीज का बनाया था, वही मैं प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें हम डेटा को सेव करा रहे थे। तो मैं क्विक जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ। मैंने इसके अंदर क्या किया है, एक डीबी हेल्पर क्लास बनाई थी, देखिए इस टाइप से, जिसमें मैंने कुछ कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए थे कि डेटाबेस का नाम क्या होगा, वर्जन क्या होगा और टेबल का नाम क्या होगा। मैं एम्प्लॉय नाम की टेबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। साथ में मैंने ऑन क्रिएट, अब डीबी हेल्पर क्लास हमारी क्या करती है, ये जो लाइट एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर क्लास जो है वो मेंटेन करती है डेटाबेस को क्रिएट करना और अगर कोई अपग्रेड करना है तो उससे रिलेटेड ऑपरेशन, और हमें रेफरेंस रिटर्न करती है हमारी डेटाबेस का जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर एक मेथड मैंने बनाई थी सेव एम्प्लॉय, ठीक है, जिसमें हम एम्प्लॉय के डेटा को क्या कर रहे थे, डेटाबेस में जाके सेव कर रहे थे। और मैंने उसको आपको शो करके भी दिखाया था कि डेटाबेस कैसे शो होगा, अभी अपन उसी को फिर से एक बार देखेंगे। पर अब मैं चाहता हूँ इसी प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड सेव हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी रिकॉर्ड मैंने सेव किए हैं उनकी लिस्ट शो हो, है ना। एटलीस्ट एम्प्लॉय के नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई एक्टिविटी बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक नई एक्टिविटी बना रहा हूँ जिसमें मैं शो कराऊंगा। तो न्यू पे जाके मैंने राइट क्लिक किया है अपने जावा पैकेज के अंदर और एक नई एक्टिविटी ऐड की है और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया विच इज कॉल्ड एम्प्टी एक्टिविटी में जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, इसको नाम क्या दे दें, तो मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई या ऑल एम्प्लॉई एक्टिविटी इस तरह से और फिनिश। ठीक है, तो मैंने एक एक्टिविटी बना ली। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी बन गई है और साथ में इसका लेआउट भी बन गया। देखिए तो इस लेआउट में मैं डिजाइन कर रहा हूं एक लिस्ट व्यू, है ना। ये आपको लेगेसी के अंदर मिलेगा लिस्ट व्यू, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं अपने पेरेंट लेआउट के अंदर ये, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसने इसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, और इस लिस्ट व्यू को मैं एक आईडी दे रहा हूं विच इज कॉल्ड लिस्ट व्यू। अच्छा, अगर आप लिस्ट व्यू के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो लिस्ट व्यू के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो पहले लिस्ट व्यू के इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम चलते हैं अपनी, सबसे पहले चलेंगे हम अपनी जो हमने हेल्पर क्लास बनाई है डीबी हेल्पर उसके अंदर। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमें क्या है, एक मेथड बनानी है जो हमें सारे एम्प्लॉयज के नेम रिटर्न करेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, पब्लिक, ठीक है, ये जो है ये रिटर्न करेगी एक स्ट्रिंग एरे और नाम अपन रख लेते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय नेम इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें हमें करना ये है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक डाटाबेस का रेफरेंस क्रिएट करना है। तो एसक्यूएल लाइट डाटाबेस, मान लो उसका नाम डीबी रख लिया। अब इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलेगा, अपने जो डेटाबेस हमने बनाया किस नाम से, माई डीबी, इसका रेफरेंस, तो क्योंकि हम ये सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, अपनी क्लास जो हमने डीबी हेल्पर बनाई है उसके अंदर कर रहे हैं और जो एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर है उसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो हमें ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस मिल जाएगा किसके थ्रू, हम लिखेंगे दिस डॉट गेट, देखो रीडेबल डेटाबेस, मतलब हमें डेटाबेस को सिर्फ रीड करना है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आप सेव्ड इस मेथड में देखेंगे तो वहां पर मैंने लिया था राइटेबल डेटाबेस, मतलब करंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है, करंट क्लास जो है मेरी ये, उससे मुझे रेफरेंस मिल जाएगा इसका रीडेबल डेटाबेस का। तो मैंने रीडेबल डेटाबेस का ले लिया है रेफरेंस, यहाँ पर देखिए
ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक कर्सर बनाना है। देखिए कर्सर मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब हमें क्वेरी फायर करेंगे इसमें, तो डीबी डॉट रॉ क्वेरी। देखिए तो ये मेथड है रॉ क्वेरी, इसमें आपको क्वेरी बतानी पड़ती है, साथ में आपको कौन से कॉलम्स चाहिए वो बताने पड़ते हैं, उनका एरे पास करना पड़ता है, और क्या पास करना पड़ता है, और रिटर्न क्या करता है ये कर्सर। ठीक है, तो मैंने लिखा रॉ क्वेरी। अब इसके अंदर मैं जाके मैन्युअली लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अब टेबल का नाम के लिए मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ उस कॉन्स्टेंट पे जिसका नाम है टेबल नेम, इस टाइप से। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमसे क्या मांग रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है एक एरे, स्ट्रिंग एरे पास करना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपको कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नल कर रहा हूँ, मतलब नल का मतलब मुझे सारे कॉलम चाहिए, मैं स्पेसिफिक कॉलम नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से कर दिया मैंने जैसे। ठीक है, तो अब हमारे जो क्वेरी रन हुई है उससे जो रिजल्ट आया है वो आके स्टोर हो गया किसमें, कर्सर में। ठीक, अब इस कर्सर से हमें डेटा को फेच करके एक स्ट्रिंग एरे बनाना है, तो मैं लिखा करंट। अब सबसे पहले हम कर्सर को क्या करें, हम कर्सर को मूव कर देते हैं कहाँ पर, फर्स्ट मतलब डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें कर्सर को सबसे टॉप पर हमने क्या करा, मूव करा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लूप लगा रहे हैं हम, डू लूप, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो हमारा कर्सर है वो मूव करता रहेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। जैसे रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा ये लूप बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूव नेक्स्ट मेथड है ये हमें क्या रिटर्न करती है, ये रिटर्न करती है बूलियन डेटा, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमने जो स्ट्रिंग, अब हमें क्या है, एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा, और स्ट्रिंग एरे मान लीजिए मैंने नाम रखी है नेम। ठीक है, इस टाइप से साथ में हम एक इंटीजर आई वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, और जो हमने नेम नाम का एरे बनाया है उसके आई लोकेशन पे न्यू अच्छा, या तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं पर इसको इनिशियलाइज कर दें न्यू ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कर्सर के थ्रू फैच करते हैं, विच इज एक मेथड होती है इसकी गेट स्ट्रिंग, जिसमें हमें कॉलम इंडेक्स बताना पड़ता है किस कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन कॉलम है, अगर आपने ध्यान दिया होगा हमने जो डेटा टेबल बनाई है उसमें तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आई डी है, नेम है और डिपार्टमेंट है। तो इंडेक्स वाइज अगर देखें तो एम्प्लॉय आई डी 0, नेम इज 1 एंड डिपार्टमेंट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डाला है, सॉरी यहाँ पर हम 1 डाल रहे हैं क्योंकि नेम हमारा फर्स्ट है, एम्प्लॉय आई डी 0 है इंडेक्स नंबर वाइज, ये हमने ले लिया। और आई को हम इंक्रीज कराते जा रहे हैं हर बार। और लूप खत्म होने के बाद हमने रिटर्न करा लिया जिसको नेम, ठीक है ना, नेम को रिटर्न करा लिया है। अब यहाँ पर एक एरर आ रही है, नेम मस्ट नॉट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और कितना बड़ा करेंगे तो अब हमें कर्सर के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कर्सर पहले बना चुके हैं, तो कर्सर से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो गेट काउंट इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर 5 स्ट्रिंग है तो 5 स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, और नेम को रिटर्न कर दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डीबी हेल्पर का काम। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ यहाँ पे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी की क्लास जावा फाइल जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिस्ट व्यू जो हमने बनाया है उसका रेफरेंस बनाना है, और ये लिस्ट व्यू इसका रेफरेंस क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा,
ठीक है, और इसका नाम अपन रख लेते हैं नेम्स, और वो हमें वैल्यू कहाँ से ला के देगा, डीबी हेल्पर क्लास से, बट डीबी हेल्पर क्लास का हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो हमने डीबी हेल्पर ये लिखा है, इसके एक ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू, और हमें क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना था, हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया ये। अब इस डीबी हेल्पर क्लास जो हमने बनाई है, इससे हम कॉल करेंगे वो मेथड को जिसका नाम है हमारा, देखो गेट ऑल एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट ही आ रहा है, इससे हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग का एरे मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि लिस्ट व्यू में कोई आइटम ऐड करना होता है तो एक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मुझे एक अडेप्टर की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है लिस्ट व्यू पे, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से उसे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे अडेप्टर बनाया, देखिए। ठीक है, एरे अडेप्टर में आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का बना दे, तो मैंने बता दिया मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे अडेप्टर बना रहा हूँ, तो एक अडेप्टर बना लिया मैंने, न्यू एरे अडेप्टर, ये यहाँ पर आपने बता दिया, फिर से टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग टेम्पलेट के रूप में। अब यहाँ पर हमें क्या है, ये जो दिया है ये देखिए, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमें पास करना है, पहला है कॉन्टेक्स्ट, तो हमने दिस पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए। सेकंड हमें बता रहा है कि जो आइटम्स आप शो कराना चाहते हो लिस्ट व्यू में वो किस तरह से दिखाई देंगे, तो यहाँ पर एंड्रॉइड ने पहले से हमें, एंड्रॉइड ने पहले से हमें कुछ लेआउट प्रोवाइड किए हैं, उसे एक्सेस कैसे करोगे आप, विच इज एंड्रॉइड डॉट आर डॉट, आप लिखोगे एंड्रॉइड डॉट कैपिटल आर डॉट। अब देखिए यहाँ पे सारा है, यहाँ पर एक है लेआउट देखिए, और लेआउट के अंदर जब जाएंगे तो देखिए सिंपल लिस्ट आइटम वन लिखा रहा है ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे पहले से बने हुए हैं यहाँ पर, तो देखिए लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम टू जैसे ये दिए सैंपल, तो अपने ये ले लिया कॉमा। थर्ड हमें बताना है कलेक्शन का नाम, ठीक है, जिसमें सारा डेटा है, तो कलेक्शन अपना कौन है, ये नेम्स आ गया, तो ये हम यहाँ पास कर देते हैं, और सेमीकोलन से बंद कर दिया हमने। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है हमारा उसको सेट कर देंगे, उसके एडेप्टर को सेट कर देंगे, किससे, जो हमने एडेप्टर बनाया है इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, अब एक काम और रह गया हमारा, जो हमारी मेन एक्टिविटी है ये, यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं जिसपे क्लिक करने पे हमारी सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन और बनाना है, हमने एक एक्स्ट्रा बटन और बना लिया यहाँ पे, इसको आप चाहें तो जस्ट इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है, और दोनों साइड से स्ट्रेच कर सकते हैं सेंटर पे रखने के लिए। ठीक है, इस बटन का जाके अपन टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, और उस पर लिख देते हैं शो ऑल एम्प्लॉयज इस टाइप से। ठीक, और अब एक चीज और हमें जो करनी है वो क्या है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है जावा मेन एक्टिविटी जिसमें ये बटन बन रहे हैं, उसमें एक मेथड भी बनानी पड़ेगी हमें, पब्लिक वॉइड ऑन, मान लीजिए शो मेथड रख दिया मैंने, और व्यू पास कर दिया हमेशा की तरह व्यू ये, ठीक है, और इस शो मेथड को हम असाइन कर देते हैं किस पे, हमने जो बटन बनाई है इस पे, इस बटन पे जाके इसके ऑन क्लिक पे जाके हम यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं ऑन शो। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक इंटेंट बनाना है क्योंकि हमें एक नई एक्टिविटी चालू करनी है, सेकेंड एक्टिविटी जो हमने बनाई है। ठीक है, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, उसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है दिस, कॉन्टेक्स्ट पास किया, सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पास करेंगे अपनी जो सेकंड एक्टिविटी हमने बनाई है उसको, तो हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है उसका नाम है ऑल एम्प्लॉय एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट पास कर दिया। चलिए, अब इतने को आप पहले रन करके देख लेते हैं, तो मैंने एवीडी जो है वो लॉन्च हो रही है, मेरी मेरी एवीडी जो है वो एपी लेवल 30 पे है, यहाँ से दिख रही है, विच इज पिक्सल 3 है एपी लेवल 30। ये देखिए मेरी एप्लीकेशन रन हो गई, अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ जिसमें अपन एक्टिविटी ओपन करा रहे हैं, विच इज
शो ऑल एम्प्लॉय, इस पर क्लिक करने पे देखिए एक नई एक्टिविटी ओपन हुई और उसके अंदर जितने एम्प्लॉयज के नाम थे वो शो हो रहे हैं, जो भी टेम्परेरी या जैसे भी सेव किए थे मैंने, ठीक है ना। अब इसको एक्सेस करने के लिए काम करते हैं जो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक नया एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है 1010, ठीक है। नेम अपन डाल देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए महेश गुप्ता, ठीक है। डिपार्टमेंट है उसका सेल्स, ठीक है, और सेव पे क्लिक किया हमने, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि यहाँ कोई टोस्ट नहीं दिखाया है तो कि हमें रिकॉर्ड सेव हुआ कि देखने के लिए हम क्या करते हैं, शो ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। देखिए तो महेश गुप्ता ऐसे डेटाबेस हमारे इसमें क्या हो गया, सेव हो गया। इस तरह से आप क्या है एम्प्लॉयज की लिस्ट को एक लिस्ट व्यू में शो कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, हो सकता है आपको कि जो लिस्ट में सिर्फ नाम आ रहे हैं, मान लीजिए मैं उनकी पूरी डिटेल दिखाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट वगैरह, तो उसके लिए हमें कस्टम अडेप्टर बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर जो अडेप्टर हमने यहाँ यूज किया था, देखिए एरर अडेप्टर, वो स्ट्रिंग टाइप का था, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो स्ट्रिंग टाइप की मिल रही थी, तो उसके लिए हमें कस्टम अडेप्टर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कस्टम लिस्ट व्यू के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर इस लिस्ट व्यू में और भी जानकारी दिखाना चाहते हैं, मल्टीपल वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जैसे उसका फोटो भी हो सकता है या मान लीजिए उसका आईडी भी हो सकता है, बाकी चीजें शो कराना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो से आप सीख करके इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।